सुधार ऐसे किया जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार है, पहले भ्रष्टाचार को हटाया जाए, क्योंकि अधिवक्ता बंधु हैं जितना भी यहाँ बांदा बांदा कचहरी में अधिवक्ता है। तो पहली बात तो वो अधिवक्ता अपनी अहमियत नहीं समझ पा रहा, बाबुओं के पीछे बिक रहा है, बाबू उनको। नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, उसी आधार पर हम अपने मंच के माध्यम से आम जनमानस की समस्याओं को साझा करने का प्रयास करते हैं। राजनीति प्रोग्रेसिव होगी तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो आम जनमानस खुशहाल होगा। इसी क्रम पे हम आज आ पहुंचे हैं, जो कि बांदा जिला सत्र न्यायालय पे अधिवक्ता हैं फौजदारी के, मिस्टर शिवम जौहरी, जो कि फौजदारी के अधिवक्ता हैं। उनसे जुडिशियरी तथा न्याय से संबंधित अन्य बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आप तक पहुंचा हूं, खासकर जो है जुडिशियरी और न्याय व्यवस्था को लेकर के। और ये हमारा वो मंच है जो कि आम जनमानस तक लोगों की समस्या पहुंचाने का, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। सर्वप्रथम हमारे मंच को आप क्या संदेश देंगे? ये आपकी प्रणाली हमको बहुत पसंद आई। इसके माध्यम से आम जनमानस का भला ही होगा और शासन प्रशासन में आपकी जो है ये बात पहुंचेगी, जनता जागरूक होगी। और रही बात न्याय पालिका जो है प्रशासन की, तो न्यायपालिका में इतने सारे मुकदमे लंबित हैं जो अभी भी लोगों के निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अब कारण क्या है ये तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन न्याय पर जो है खासा जो है अधिभार, न्यायालय जो है इस समय और जो है मुकदमे चल रहे हैं, जो लंबित मुकदमे हैं उनका निस्तारण सर नहीं हो पा रहा है। जुडिशियरी पे जो है आदमी न्यायालय जाता है कि उसको फौरी तौर पे जो है राहत मिल जाए, लेकिन देखिए काफी समय लगता है, इसमें क्या कारण है? देखिए इन दिस टाइम तो कोरोना काल चल रहा है, तो अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रणाली वर्षों से चली आ रही है। हम बचपन में थे तब भी ये सुना करते थे कि 20 वर्ष तक मुकदमा चलता है, जबकि 20 वर्षों तक मुकदमा चलने पर जितनी अवधि है सजा की वो तो अभियुक्त पूरी कर चुका होता है। तो ये तो हमें जो है जागरूक होना चाहिए, जनता को, पहले न्यायपालिका को, या फिर यहाँ पे कार्यकर्ता कम है, या फिर बाबू मुकदमों को लंबित करवाते हैं, या फिर हमारे अधिकारी नहीं चाहते कि मुकदमा जल्दी निस्तारण हो, या ऐसी 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 सर जो है क्या वजह है? वजह क्या है कि निस्तारण नहीं हो पाता है, खासकर न्याय व्यवस्था पर जो है ये जो है खामियां देखने को मिल रही हैं, जिससे आम जनमानस प्रभावित होता है, जो वादी है वो भी परेशान होता है। कारण क्या है? इसमें जो है सुधार कैसे किया जा सकता है? सुधार ऐसे किया जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार है, पहले भ्रष्टाचार को हटाया जाए, क्योंकि अधिवक्ता बंधु हैं जितना भी यहाँ बांदा कचहरी में अधिवक्ता है। तो पहली बात तो वो अधिवक्ता अपनी अहमियत नहीं समझ पा रहा, बाबुओं के पीछे बिक रहा है, बाबू उनको हड़काने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी एक घटना भी आई है जी कि एक साहू जी हैं तो उनको हड़का के भगा दिया था कार्यालय से। अधिवक्ता हैं। हाँ, उनकी बात आई है, उनमें हड़ताल भी हो चुकी है एक दिन। अब आगे नहीं मालूम, हमने अभी व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या मैनेजमेंट किया गया कार्यवाही में। और जो है बस यही कारण है कि जब तक ये भ्रष्टाचार हर जगह से नहीं हटाया जाएगा तब तक ये सब नहीं संभव नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कोई नहीं चाहता, अधिवक्ता बंधु भी नहीं चाहते कि जल्दी मुकदमा ये निस्तारण हो, कहीं कहीं ये भी संभव है। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये घूसखोरी का जमाना चलेगा, कहते तो चले आ रहे हैं कि मोदी के जमाने में सब नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये बाबू पैसा मांगेगा तो ये गिरफ्तार होगा, ये इस नंबर में कॉल करो, ये करो, कहीं कुछ नहीं है। हमारी गाड़ी रिलीज हुई थी, 1,000 हमसे मात्र आर्डर लेने का मांगा गया था, किसने मांगा था? संबंधित बाबुओं द्वारा मांगा गया था। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी। क्योंकि ये बात जनमानस में आएगी, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब कोई जागरूक हो जाए, सुधर जाए। जो ये जो चाहते हैं कि नहीं, हमारा वेतन हमको सेफ मिले, हमको इतना पैसा ये फला वकील से मिले, फला क्लाइंट से मिले, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बस ये मैं संदेश भेजना चाहता हूँ आपके आईफा के प्रणाली की वजह से। सर जो है आप फौरी
फौजदारी का मुकदमा देखते हो, फौजदारी का जो मुकदमा आता है तो स्टार्टिंग बेस पर जो है मुकदमा स्टैंड कैसे होता है, प्रथम क्या क्या स्टेज होते हैं? देखिए हम तो जो है क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं। स्टार्टिंग मुकदमा में जब अभियोग पंजीकृत होगा तो थाने में जीडी दर्ज होगी, मुकदमा यहाँ आएगा, पत्रावली यहाँ चलेगी, चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के पहले भी बेल पड़ जाएगी, आने बाद में भी पड़ जाएगी, फिर इसके बाद जमानत होगी, जमानत के बाद चार्ज बनेगा, चार्ज के बाद एविडेंस में मुकदमा आएगा, यही एविडेंस में मुकदमा लंबित होता हो जाता है और चलता रहता है दसों साल, कभी पाँच साल, पहले तो बीसों साल चलते थे मुकदमा, लेकिन आजकल की अब प्रणाली कुछ ठीक है, मुकदमे जल्दी निस्तारण हो रहे हैं, बस यही सिस्टम है मुकदमे। खासकर जो है हीनियस क्राइम की बात की जाए, हमारे बांदा में जो है अगर जो है मान लीजिए जो अवेलेबल मुकदमा है उन पर दिया जा सकता है, लेकिन कुछ मुकदमे और हैं बेल हो जाना चाहिए लेकिन उस पर बेल नहीं होता है, क्या कंडीशन, बेल किस आधार पर जो है हीनियस क्राइम पर जो है होती है? देखिए जो संज्ञेय जो है मुकदमे हैं, जो संज्ञेय अपराध है, तो उसमें तो जो है संज्ञेय मुकदमे में बेल जल्दी नहीं होगी या स्टैंडिंग बेल नहीं होगी हैं। और दूसरी बात, जब तक जो है अपराध ये जैसे 376 आईपीसी है और ये 302 आईपीसी है, तो इसमें हीनियस क्राइम है ये, और मैं चाहता हूँ कि जो अपराधी है तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, और जो स्टैंडिंग बेल पा जाएगा व्यक्ति तो कैसे समझेगा कि ये अपराध मैंने किया है, उसकी सज़ा कैसे समझेगा? खासकर बांदा हम जो है अधिवक्ता बार की बात करें, बार काउंसिल की बात करें, तो यहाँ पर अधिवक्ताओं की क्या क्या समस्याएं हैं? अधिवक्ताओं की समस्या तो बहुत है इस समय, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, अधिवक्ता के लिए कोई एक्स्ट्रा न वेतन मिलता है, न कोरोना काल में जब क्लोज हो जाती है कचहरी, तो मध्यम वर्ग वकीलों के लिए खाने पीने का साधन ये सब सिस्टम बिगड़ जाता है उनका, क्योंकि रोजमर्रा की ही जो है ये समझिए ये कार हमारा रोजमर्रा का ही है, बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, चलो उनका चलता रहता है, उनका सिस्टम बना रहता है, उनके बड़े बड़े मुकदमे भी आते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग वकील है उनके लिए परेशानी तो है ही। खासकर आपके संगठन की बात की जाए, अधिवक्ता संघ की, तो आपके संगठन के द्वारा वकीलों की जो है अधिवक्ताओं के सहयोग के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या क्या योजनाएं या क्या क्या जो है कार्य किए जाते हैं? मेरा मानना यह है कि जैसे अधिवक्ताओं के लिए अभी तक सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है, वही सिस्टम है पहले वाला कि जो 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 है जब रिटायर होगा अधिवक्ता तो वही चल रहा है, अभी कोई लागू नहीं किया गया। तो मेरा मानना है कि जूनियरशिप में महीना बांधा जाए, अधिवक्ता अपना कम से कम जीवन यापन कर सके, अपना स्वाभिमान बचा सके, कोई अन्य कार्य ऐसा ना करे कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके अधिवक्ता संघ बार काउंसिल के द्वारा जो है अधिवक्ताओं के लिए बीमा के लिए योजना के लिए शासन स्तर से भेजा गया था, अधिवक्ताओं के लिए क्या बीमा मंजूर है, बीमा दुर्घटना? ये तो प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, लेकिन कब लागू होगा ये नहीं कोई बता सकता, अब ये तो सिस्टम में बता सकता है, हमने खबर में पढ़ा है अभी भी कि बढ़ा करके उसको 25 लाख कर दिया गया है, और जूनियरशिप के लिए भी लागू किया जाएगा, लेकिन जाएगा से थोड़ी को अधिवक्ता का पेट भर जाएगा, वो लागू हो, क्योंकि हमने देखा हाई कोर्ट में भी अधिवक्ता बंधु बहुत परेशान है, बांदा कचहरी तो बहुत मैं मानता हूँ कि वहाँ से बहुत पिछड़ी हुई है, लेकिन अधिवक्ता है, उसका स्वाभिमान उसकी गरिमा बनी रहे इसके लिए कुछ उचित कदम, जैसे मंथली जूनियरशिप के लिए, और बस यही सब। अच्छा, जो खासकर जो है अधिवक्ताओं के विषय की ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हमारे बांदा जो है कचहरी पे जो कि जिला सत्र न्यायालय है, यहाँ पर कितने अधिवक्ता कार्यरत हैं और अपने आप जुडिशियरी पे जो है अपनी सहभागिता निभा पा रहे हैं? मेरा मानना है कि अधिवक्ता बंधु यहाँ हमारे यहाँ समथिंग 2000 है जी, और उसमें हो सकता है नॉन प्रैक्टिशनर भी हों, अब इतनी बड़ी कचहरी में तो हमने काउंटिंग नहीं किया कि कितने लोग आते हैं, लेकिन समथिंग
1200-1300 अधियोक्ता कार्यरत होगा, यह अनुमान है हमारा। और इसमें से कुछ है अधिवक्ता बंधु हैं 30% जो अपना अच्छे से कार्य और अच्छे से पुराने हैं, उनके पास लोग जाते हैं, जो है मुकदमे जाते हैं, उनका बढ़िया रूटीन चल रहा है। और बाकी जो जूनियरशिप में चल रहे हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं, जब कोरोना खासकर 2-3 साल से इस समय अधिवक्ता बंधुओं के लिए जो है बहुत परेशानी का। अच्छा, खासकर जो है अब इस समय हम थोड़ा राजनीति पर बात करते हैं, जैसा कि 2022 विधानसभा भी है, चुनाव भी नज़दीक हैं, विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो किन किन मुद्दों पर विकास हुआ है? अब ये राजनीतिक प्रणाली तो हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हमारा रूटीन है घर से कचहरी जाना, काम करना, फिर घर आ जाना, लेकिन समाचार सुनते हैं तो हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है। ये विकास, ये नेता नगरी, ये राजनीतिक मुद्दा, ये राजनेता ही समझ सकता है। खासकर विकास का मुद्दा हम अपने जनपद बांदा की जो है बात करें, अगर अभी वर्तमान में तो हमारे बांदा में क्या क्या विकास हुआ, और अगर नहीं हुआ तो अभी किन किन जो है मुद्दों पर विकास करने की आवश्यकता है? मुझे खाली ये मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन महंगाई तो बहुत अटूट बढ़ी है, ये तो सभी को पता है। जनता महंगाई को लेकर परेशान है, जनता विकास को क्या करेगी, मध्यम वर्ग विकास को क्या करेगा जाके, वो उसको क्या जो है वो अपनी समस्या सुनाएगा। नेता नगरी अलग है और ये जनमानस अलग है। जो व्यक्ति अपना जो है जीवन यापन नहीं कर सकता, वो राजनीति में कदम कैसे रखेगा? वोट दे आएगा बेचारा, चला आएगा घर में, बाद में कोसेगा कि ये सब कहा गया था, अभी तक नहीं हो पाया, ये सब सिस्टम। खासकर जो है हम न्यायालय से ही बात करें, न्याय से ही बात करें, अधिवक्ताओं के संबंध भी बात करें, काफ़ी अधिवक्ता ऐसे हैं कि जो कि बार काउंसिल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और इसके बाद में वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्या उनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल कैंसिल कर देता है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन अपन दर्ज करा देते हैं तो अपना पावर लगा के या फिर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना जो है किसी मुकदमे में लेके तब पावर लगवाते हैं कि हमारी ये बनी रहे, यहाँ की प्रैक्टिस खराब ना हो हमारी। खासकर बार काउंसिल पे जो है, जैसे कि इलाहाबाद में जो है बार काउंसिल, अब उत्तर प्रदेश में, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में संबंधित अधीनस्थ न्यायालय पे जो है जिसमें प्रैक्टिस करना चाहे वो वहाँ भी करवाता है। सपोज दैट अगर उसके पास मुकदमे नहीं आते हैं तो ऐसी दशा में वो क्या करेगा? ऐसी दशा में उसकी मजबूरी है, उसको कैंसिल तो अभी तक कुछ नहीं हुआ किसी का, न होना चाहिए, क्योंकि मुकदमे जब व्यक्ति वकालत करेगा तो उसको इंतजार करना पड़ेगा। अब उसके बस में तो है नहीं कि मुकदमा जो है लेके अपने आप जो है वो कर दे। अच्छा, ये अधिवक्ता पेशा जो है, आप तो जो है फौजदारी के अधिवक्ता हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चेतावनियां मिलती हैं? बस अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं, अधिकारी तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो बाबूगढ़ हैं तो अधिवक्ताओं को परेशान करते हैं, नहीं हमें परेशान करते, लेकिन हमें सुनने में आता है कि जो है हाँ एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमसे अवैधानिक रूप से ऐसा पैसा मांगा गया है, तो हम तो अपना, हमें मालूम है कि हमें नहीं देना चाहिए, तो हमने फेस किया। सब लोग नहीं है कि फेस कर पाते हैं, कोई कोई बहुत सीधा अधिवक्ता है, अधिवक्ता का पैसा तो ले लिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, हमें कैसे बोलना है, कैसे हमें अपना पैसा बचाना है इनसे, कैसे हम जो है इनसे अपना जो है ये फेस करें जी। तो बस यही कहानी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ में जो कि जिला सत्र न्यायालय पर प्रैक्टिस करते हैं, फौजदारी के अधिवक्ता हैं, शिवम जौहरी जी। इनसे हमने बात की न्याय पर, जुडिशियरी पर, और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी बात किया। मैं बांदा से आईपा के लिए साकेत होती।